दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोनेटाइज होने के बाद क्या करें। यानी कि यूट्यूब चैनल जब आपका मोनेटाइज हो जाता है, आपका यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो जाता है और आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सब कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका जब मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है उसके बाद क्या करें। काफ़ी सारे यूट्यूबर के माइंड में ये चलता होगा कि यार यूट्यूब पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या, पैसे कैसे आएंगे, करना क्या है। मतलब पूरी जो है आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि यार अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं करा तो हो सकता है कि आपके एडसेंस में से कुछ पैसे कटने लग जाए, हो सकता है कि आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाए। तो यार ऐसी कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार अगर आप एक यूट्यूबर हो ना और वास्तव में यूट्यूब पर पैसा कमाना चाहते हो, यूट्यूब पर अपना नाम बनाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना करे आपको बोर। आप देख रहे हो आईटी स्टोर। सो दोस्तों यार सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोनेटाइज करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, उसकी पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, यानी कि आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, तो उसे ज़रूर देखना। और आपको मोनेटाइज अप्लाई करना नहीं आता है, कैसे करते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब यार बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज होने के बाद नहीं करनी है। तो यार इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपनी वीडियो नहीं देखनी है। काफ़ी सारे लोग सोचेंगे यार ये तो वही चीज़ें बताएगा जो और यूट्यूबरों ने बता रखी है, तो इस वीडियो को छोड़ते हैं। तो मेरे भाई आप छोड़कर जा सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो मुझे नहीं लगता कि आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के चलते आपका एडसेंस हर बार डिसेबल होता है काफ़ी सारे यूट्यूबरों का। यानी कि 50% यूट्यूबर का एडसेंस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से डिसेबल होता है, वो होता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी। तो यार आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि खुद की वीडियो खुद से नहीं देखनी है, खुद के मोबाइल में नहीं देखनी है, यानी कि अपने को ज़बरदस्ती वीडियो दिखानी ही नहीं है किसी को, या फिर आप लिंक शेयर करते हो तो वो भी नहीं करना है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार ऐसा इसलिए माना जाता है अगर आप किसी को अपनी लिंक शेयर करते हो वीडियो की, तो यार वो सामने वाला बंदा आपका दोस्त होगा तो वो आपके लिंक पर क्लिक करेगा और ऐड पर भी क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि आपने लिंक शेयर करा है। अब यार वहाँ पर YouTube देखेगा कि यार ये जो लिंक शेयर करके व्यूज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सिर्फ ऐड पर क्लिक कराने के लिए लिंक शेयर करवाता है। तो यार दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको लिंक भी ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं और आपको खुद की वीडियो खुद नहीं देखनी है। दोस्तों बात करते हैं दूसरी गलती की जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वो यार ये है कि आपको कभी भी अपने फ्रेंड्स के मोबाइल से भी वीडियो नहीं देखनी है। अब यार ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या चीज़ है यार, इसमें इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कहाँ से आएगी, जब मैं मेरे मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यार फ्रेंड्स के मोबाइल से वीडियो क्यों नहीं देखनी है। तो यार इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब पूरे नक्शे की बात आती है, पूरे ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात आती है, तो यार इंडिया उसमें छोटा सा एक पॉइंट होता है, यानी कि छोटा सा एक कंट्री है, ठीक है। अब उस कंट्री में भी आपका जो देश है, यानी कि आपका आपका जो स्टेट है वो बिल्कुल छोटा सा है। अब सोचिए आप उसमें एक जिले के अंदर रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, तो वो भी एक छोटे से मतलब एक जगह पर आ गया होगा, तो यार आपका फ्रेंड तो आपके घर के आसपास ही रहता होगा, तो यूट्यूब को लगता है कि यार यही बंदा है क्योंकि ये एक ही लोकेशन से बार बार वीडियो देख रहा है, तो इसका मतलब है कि एडसेंस ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो वो भी एक इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी ये चीज़ मत करना, यानी कि आपके फ्रेंड्स के मोबाइल से भी वीडियो मत देखना एक से दो से ज़्यादा बार। तो दोस्तों ये तो बात होती हो चुकी है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की। अब हम बात करते हैं कि यार आपको करना क्या है। तो यार YouTube पर जब आपका एडसेंस अप्लाई हो जाता है, मोनेटाइज ऑन हो जाता है, तो उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अगर व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं तो आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। बट यार बात करें व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करना है कि कभी ना कभी आपकी कोई ना कोई सी वीडियो वायरल करनी है, उसके बाद कंटिन्यू आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो बनानी है और अच्छे खासे व्यूज़ ला के आने, ये हर चीज़ को पता होगा। बट यार आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपने YouTube चैनल पर कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, यानी कि वीडियो डालना बंद नहीं करना है। इसका मैं आपको एक परिणाम बताता हूँ जो कि मेरे साथ हो चुका है। मेरे से YouTube अर्निंग कट चुकी है थोड़ी बहुत, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि YouTube पर वीडियो डालना कम मत करना, बंद मत करना, क्योंकि इससे चैनल के ग्रोथ के साथ साथ आपके एडसेंस पर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पर एक मतलब आपको देखने को मिलेगा कि यार मेरे चैनल पर जो एड्स पे ऐड आते थे वो भी कम हो रहे हैं, धीरे धीरे पैसा भी कम हो रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि YouTube पर रेगुलर वीडियो डालते रहना, चाहे व्यूज़ आए नहीं आए वो कोई मैटर नहीं करता। अब यार बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपको एडसेंस होने के बाद करनी पड़ेगी, यानी कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद करेगी।
करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है, आपको मेल आता है यूट्यूब की तरफ से, तो यार आप वहाँ पर देखोगे कि आपकी जो ईमेल मतलब जो आपकी वीडियोस मैनेजर में आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ वीडियो ऐसी होती है जिस पर ग्रीन डॉलर आता है, कुछ वीडियो ऐसी होती है जिस पर येलो डॉलर आता है, कुछ वीडियो ऐसी होती है जिस पर ब्लैक शाइनिंग होता है लेकिन वो कटा हुआ नहीं होता, यानी कि आपको वहाँ जा करके उन वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इन चीज़ से घबराना मत। जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए तो आपको सिंपली करना क्या है, एक एक वीडियो पर जाना है और सबका मोनेटाइजेशन ऑन करना है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, मतलब ऑटोमेटिक नहीं, आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, जिससे कि जो है आपकी हर वीडियो पर एड्स आए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और दोस्तों बात करूँ तीसरी चीज़ की, तो यार आपको पोस्ट रोल के बारे में पता होगा, वो भी आप इनेबल करना, जिससे कि आपके हर वीडियो पर दो दो ऐड आए और आपको पैसा भी ज़्यादा मिले। पोस्ट रोल ऐड वीडियो के लास्ट में आते हैं, पहले ऐसा क्यों है, पोस्ट रोल एड खुद से भी लगाने पड़ेंगे और हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक भी लग जाए। तो यार दोस्तों एडसेंस इनेबल होने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी जो मैंने आपको बताई है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ भी बिल्कुल करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यार आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, और दोस्तों एडसेंस अप्लाई करने से पहले क्या क्या करनी चाहिए वो भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको मोनेटाइज करना कैसे है वो भी उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यार मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।